मैं कह रहा हूं कि हाल के वर्षों में जी मैंने इस स्केल की दुर्घटना के बारे में कभी नहीं देखा था। ईश्वर उन परिवारों को शक्ति दे सहने की, क्योंकि आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल क्षण है उन लोगों के लिए। और रेस्क्यू टीम में जो लोग लगे हैं मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। सर इसमें पिछली के सरकारों में भी ऐसी घटनाएं हुई है। देखिए ये मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, पिछली की सरकारों ने कवच को प्रसारित तो नहीं किया था, अपनी कितनी बातें की थी, आज ये नहीं पूछेंगे। सदन ये मौतें जो है ना अपने पीछे एक कहानी छोड़ के गई है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। इस तरह की दुर्घटना जब होती है ना सबके रोंगटे खड़े होने चाहिए, ये क्षण वो है। लेकिन सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तीन ट्रेनें कोलाइड कर रही हैं, हमारी सिग्नलिंग सिस्टम को क्या हो रहा था, ये सारी चीजें अनुसंधान और तहकीकात का विषय। सुर्खियों में है सर वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह जो है वो हिंदुस्तान है पूरे वर्ल्ड में। देखिए मैं मानता हूं ये सचमुच सबसे सुरक्षित देश था, है कहने से पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ी अपनी शक्ल में तब्दीली कर लें, वेश बदल लें, अपना नाम मोहम्मद कामरान रख लें, और ट्रेन में या कहीं भी किनारे छोटी सी दरी बिछा करके नमाज पढ़ें। मोहन भागवत जी को अपने बयान के मूल्यांकन का इससे बेहतर आधार नहीं हो सकता। कांग्रेस वादे की थी वो कल अपने पहले कैबिनेट में उसको पूरा करने के लिए बाध्य है। बात है कर्नाटक में जो गारंटी है ना वो गारंटी देश की राजनीति को पटरी पर लाने की है। आसमानी मुद्दों में हम चले गए थे, जमीन के मुद्दों पे उन्हें लाना होगा, रोटी थाली रोजगार और एक महफूज माहौल, सुरक्षित माहौल, ये चाहिए ना लोगों को। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के कितनी बड़ी साइज किसी देश में, उससे वो देश नहीं जाना। खा पंचायत रेसलर्स के सपोर्ट में है, सिर्फ बहुत सारे संगठन रेसलर्स के सपोर्ट में है, उसके अलावा 1983 के जो विनिंग वर्ल्ड कप टीम है इंडियन क्रिकेट की वो भी सपोर्ट में आए। देखिए पूरा देश सपोर्ट में, सच तो ये है 83 की जो हमारी टीम थी जिसने पहली बार विश्व कप दिया उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं। लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो पेट्रोल की 50 पैसे की कीमत बढ़ती थी ना उस पर ट्वीट आया करते थे, क्या हो गया आपको, इतना बदल गया मेरा देश। बीजेपी के मंत्रियों को छोड़ करके अगर मैं कहूं बीजेपी के सांसद भी परेशान है, बीजेपी के लोग परेशान है, क्योंकि जब शोषण की बात होती है ना उत्पीड़न की बात होती है तो दलीय दायरों से ऊपर जाती है। अब तक यही होता रहा, निर्भया का आंदोलन हमें याद है ना, निर्भया के दौरान का। आज जो ये पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में खड़ी है ना, ये हमारी गिरावट का संकेत है।